जय श्री राम। प्रिय भक्तों, प्रिय भक्तों, आप में से किसी साधक ने एक प्रश्न किया है, सोनी सोनी नाम से उनकी आईडी है। वो लिखती हैं कि सोहंग मंत्र का जब जप करते हैं तो ध्यान श्वासों पर रखें या कहीं और। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी साधक कंफ्यूज रहते हैं, तो जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए भक्तों, सोहंग मंत्र का जब आप जप करते हैं, पहले ये समझ लीजिए, सोहंग मंत्र का नाम उसको दे दिया गया है ताकि आपका विश्वास हो जाए। वैसे ये मंत्र नहीं है, लेकिन उसका नाम दे दिया गया है। मेन आपकी श्वास होती है, यानी कि आपकी जो श्वास होती है, हम सब जो श्वास लेते हैं एक दिन में 21,600 श्वासें लेते हैं, तो उन श्वासों में प्राकृतिक एक ध्वनि आती है स्वय और हंग की, यानी कि हंस नाम का प्राणी हम सब के अंदर है, और हंस का उल्टा करते हैं तो सोहंग हंसो हंसो सोहंग ये होता रहता है। संतों ने कहा है, निरंजन माला घटमय फिरे दिन रात, हंसो सोहंग सोहंग हंसा बार बार उल्टा, अपने आप ही उल्टती रहती है, इसलिए इसको सोहंग मंत्र बोल दिया गया है। और सोहंग मंत्र के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद ब्रह्म नहीं ले। सोहंग शब्द को परमात्मा कहा गया है। तो जब आप अपनी श्वासों का ध्यान करते हैं, तो यानी कि सोहंग मंत्र का जप करते हो, तो मेन आपकी सांसें ही हैं, सांसों पर ही ध्यान रखना है। चाहे आप अपनी श्वासों का ध्यान सोहंग के साथ करते हो, चाहे राम के साथ करते हो, चाहे कृष्ण के साथ करते हो, नाम तो कोई भी जोड़ सकते हो, लेकिन जो प्राकृतिक ध्वनि होती है सो और अंग की, उसके साथ आप जोड़ोगे अपने श्वासों को, अपने मन को, तो वो उसको जल्दी ही पकड़ लेगा, क्योंकि प्राकृतिक चीज को जल्दी पकड़ा जाता है। राम को जोड़ोगे थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। मेन होती है आपकी श्वासें, यानी कि आपकी श्वासों को, श्वासों के ऊपर मन को टिकाना है, मन को श्वासों से जोड़ना है, बस वो आप किस तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा ध्यान बस आपकी श्वासें आ रही हैं जा रही हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आप बैठे हैं और आप इस श्वासें ले रहे हैं, या फिर लेट के भी ले सकते हैं, चलते फिरते सारा काम करते करते भी श्वासों का ध्यान किया जा सकता है, यानी कि सोहंग मंत्र का ध्यान किया जा सकता है। देखो ऐसे, श्वास बस जा रही है आ रही है, अगर मन में बोलना चाहे सो ऊपर गई और नीचे आई हंग, या फिर ऊपर गई राम नीचे आई राम, या फिर ऊपर गई रा और नीचे आई मैं, जिसका जैसा विश्वास है। हम बता चुके हैं आपको कि मेन आपकी श्वास ही है, श्वास का ही ध्यान करना, इसको प्राण उपासना भी बोलते हैं। बस आपको श्वासों का ध्यान रखना है। हाँ, एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी श्वास बिल्कुल धीरे हो जाएगी, आपको ये लगेगा मेरी श्वासें चलना बंद हो गई है, क्योंकि एक दो चार दिन पहले कमेंट आ गया था कि जब श्वास ऐसा लगता है कि चलनी बंद हो गई तो फिर तो मन से जप करना पड़ेगा। नहीं, उस समय आपको केवल और केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखना है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको अब श्वास की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और इस श्वासों का ध्यान कई लोग नाक से करते हैं, जैसे नाक से श्वास आई और गई, हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि ये उच्च श्रेणी की होती है। कई लोगों का नाक के ऊपर ध्यान जाना मुश्किल होता है, तो वो पेट से हिसाब रखते हैं, पेट उनका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कई लोग छाती से करते हैं, कई लोग नाक से करते हैं, जहां से आप कर सके, लेकिन आपको बस श्वास के ऊपर ध्यान रखना है, और सब कुछ आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आपको करना, बाकी का आगे का काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप भगवान कर देंगे। किसके दर्शन करवाने हैं, कब करवाने हैं, बस कोई और अड़चन आती है तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो थी, उम्मीद है आपको इससे लाभ अवश्य ही मिला होगा। इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए, उसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्त।